डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया एनोरेक्सा नाउ वी विल सी कि जो डी एस एम फाइव है वो किन कंडीशन में कहता है कि एक शख्स को या एक बच्चे को या एक एडोलस को जो है एनोरेक्सिया का डायग्नोसिस हम दे सकते हैं सो फॉर डूइंग द डायग्नोसिस देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच वी नीड टू बी अंडरस्टैंड दो कि जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको लीड कर जाते हैं टू वर्ड्स के ये किस डिसऑर्डर में क्लासिफाई करेगा ठीक है लेकिन जब आपको ये लगे कि जो प्रॉब्लम बच्चा बता रहा है जिस तरह उसके पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फूड इनटेक नहीं कर रहा इसको ये लगता है कि ये मोटा है और वो बच्चा खुद भी खुद को ये रिपोर्ट करता है कि मुझे ये लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत फैट है और वो प्रॉपर आपको अपने जो आर्म्स हैं वो आगे करके बताएगा जबकि वो बिल्कुल स्कॉलेटन लाइक होती हैं तो दिस इज़ समथिंग कि जिन साइंस की मदद से आपको ये किसी हद तक आइडिया हो जाता है कि दिस माइट बी फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ एनोरेक्सिया नवोसा बट यू नीड टू बी फाइंड आउट वेदर इट इज लाइक क्वालिफाई ऑल द सिम्टम्स और नॉट सो उसके लिए हम देखते हैं कि एनोरेक्सिया नवोसा का जो क्राइटीरिया ए है उसमें वो सबसे पहले क्या बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक है ठीक है और ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी टेक का मतलब क्या है कि जितनी उसकी बॉडी को नीड है उससे कहीं कम जो है वो ले रहा है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी वेट है वो लो हो रहा है ठीक है अब बॉडी वेट जो लो हो रहा है उसको आपने ये देखना है कि उसके एज के रेफरेंस में उसके जेंडर के रेफरेंस में उसके डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से और उसकी फिजिकल हेल्थ के रेफरेंस में जो है उसकी बॉडी का जो वेट है वो कहीं अंडर वेट तो नहीं है तो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है इसी तरह जब हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंटली वेट लॉस तो उसका बेसिकली मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि नॉर्मल से जो हम नॉर्मल वेट कहते हैं उससे भी जो मिनिमम है वो उसका वेट आ रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि फाइव फीट में फोर्टी जो है वो मिनिमम वेट है लेकिन उसका फोर्टी से भी लेस है तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो बच्चा है उसका सिग्निफिकेंट वेट लॉस है अब अगेन यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जैसा हमने डिप्रेशन में देखा था कि लोग जो हैं वो वेट लूज कर जाते हैं तो आपने ये भी देखना है कि कहीं ये पैटर्न फ्रॉम पास टू वीक्स तो नहीं आ रहा अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में ऐसा नहीं होता ये पीरियड ऑफ़ टाइम के लिए होता है इसमें काफी महीनों से बच्चे का ये पैटर्न चल रहा होता है देन वी विल सी द बी पार्ट दैट हैज लाइक इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट बेसिकली इन बच्चों के अंदर इतना ज्यादा फियर होता है कि दे आर अनएबल टू टेक एनी आप इसको यूं समझ सकते हो कि जैसे अगर एक फूड आपके सामने है और आपके अंदर ये थॉट आ रहा है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा तो डेफिनेटली आप उस फूड को नहीं खा सकोगे जबकि आपका पर्पस भी थिन होना हो ठीक है तो इस किस्म का जो थॉट पैटर्न है जो इस किस्म का फियर है वो आपको उन बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा अगेन आपने इस चीज़ को देखना है कि कहीं हेल्दी हैबिट्स जो जब बच्चा मेंटेन कर रहा है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट कि अगर वो चिप्स नहीं खा रहा या वो ऐसे जंक uh, फूड्स नहीं ले रहा तो दैट इज़ समथिंग कि वो हेल्दी फूड इनटेक कर रहा है जिसमें वो फ्रूट्स ले रहा है या वो वीट ले रहा है या वो सीरियल्स ले रहा है दैट इज द हेल्दी डाइट और अगर उसमें वो नहीं कोई ऐसी चीज़ खा रहा दैट इज़ डिफरेंट थिंग यानी उसमें माल न्यूट्रिशन नहीं हो रही उसमें बच्चा अंडर वेट नहीं जा रहा ठीक है तो यू नीड टू बी डिस्टिंग दीज टू थिंग्स दैन द सी इज के जो डिस्टर्बेंस है वो वो एक्सपीरियंस करता है अपनी बॉडी वेट के अंदर और शेप के अंदर अब ये बात हम क्यों कहते हैं ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये बच्चे जब आपके पास आते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं कि जो इनका बॉडी है वो दे फील देम सेल्फ फैट ठीक है और उसकी वजह से जो इनको प्रॉब्लम है वो ये होता है कि ये मुसलसल कोशिश करते हैं कि इनका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए ठीक है और उसकी वजह से इस चीज़ को ये रिकेगनाइज़ ही नहीं कर पाते कि जो इनका बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो हो चुका है तो चूंकि इनकी जो आप ये समझ सकते हो कि जो इनकी परसेप्शन है टूवर्ड्स बॉडी वो क्या है वो डिस्टॉर्टेड है अगर इनकी परसेप्शन टूवर्ड्स बॉडी जो है वो डिस्टॉट है तो उसकी वजह से ये ये ही नहीं कर पाते कि इनका जो बॉडी वेट है वो लो है तो ये चीज़ जो है ये आपको इनमें नज़र आएंगी सो दीज आर थ्री क्राइटीरियाज जिसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे एनोरेक्सिया नवोसा है